तो आज ये चैप्टर खत्म कर देते हैं, चैप्टर नंबर 8। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। देखो दो क्वेश्चन और बचे हैं इसमें, 18 का और 19 का, वो कर देते हैं। सॉल्यूशन नंबर 18। अब देखो इसमें बोल रखा था एरिया ऑफ द सर्कल, ये सर्कल बोल रखा है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। अब देखो पहले इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। वी कैन रिटर्न एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एज एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, क्योंकि हमें रेडियस और सेंटर तो चाहिए ना अगर हमें सर्कल का डायग्राम बनाना। तो हियर सेंटर क्या आएगा इसका 0,0 एंड रेडियस क्या आएगी इसकी 4। और क्या बोल रखा है, एक पैराबोला बोल रखा है हमें, एक्सटीरियर टू पैराबोला, पैराबोला के एक्सटीरियर वाला एरिया होना चाहिए वो, ठीक है। अब देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, एक्स की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज है, तो ये राइट वर्ड पैराबोला है, ठीक है। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, ये इक्वेशन नंबर 2 है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस में 6x इज इक्वल टू 16, इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 16 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस में 8x माइनस में 2x माइनस में 16 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज एक्स कॉमन आ गया तो एक्स प्लस 8 माइनस 2 एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, देखो माइनस का 8 और एक्स की वैल्यू आ गई क्या प्लस का 2। इफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू में माइनस का 8 माइनस का 48 विच इज नॉट पॉसिबल एज स्क्वायर कांट बी नेगेटिव, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। इफ एक्स इज इक्वल टू 2 देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12 है, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई देखो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, सो 2 कॉमा 2 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 और 2 कॉमा माइनस 2 अंडर रूट 3। अब देखो इसका डायग्राम बनाए अगर हम, तो ये सर्कल, ये पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 कॉमा 2 अंडर रूट 3, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 कॉमा माइनस का 2 अंडर रूट 3, ये रेडियस इसके क्या है 4, तो 4 कॉमा 0, ये 0 कॉमा 4, ये माइनस 4 कॉमा 0 और ये 0 कॉमा माइनस 4, ये ओ 0 कॉमा
ज़ीरो, इसको हम नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी और ये ई, ठीक है ना, और ये एफ हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, पैराबोला के एक्सटीरियर। ठीक है, तो बताओ कौन सा एरिया आएगा, बताओ इस साइड वाला आएगा कि ये जो पैराबोला है उसके लेफ्ट या राइट साइड, बताओ लेफ्ट या राइट वाला कौन सा, लेफ्ट वाला। तो एक्सटीरियर का मतलब ये वाला पूरा। ठीक है, अब आपको दिख रहा हो कि ऊपर वाला और नीचे वाला क्या है, सिमेट्रिकल है, तो आप एक को फाइंड करके टू से मल्टीप्लाई कर देना आपको सिर्फ। ठीक है, अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो कौन सा है कि आप ये वाला फाइंड कर लो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो आपको ये मिलेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक तो आपको ये मिलेगा, तो इन दोनों को ऐड करना है, फिर इसको किस में से माइनस करना है, इसको टू से मल्टीप्लाई करोगे फिर आप, फिर इसको किस में से माइनस करोगे, पाई आर स्क्वायर, सर्कल के एरिया में से माइनस करना है। एक तो वो मेथड है, और एक जो हम अभी तक करते हैं वो मेथड अपना सिंपल एकदम, यहाँ से चले हम यहाँ तक, अपने को यहाँ पे पूरा एरिया मिल जाएगा ये वाला, फिर यहाँ से चलेंगे हम यहाँ तक और ये वाला एरिया यहाँ तक का ये माइनस कर देंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट वाला मेथड कॉम्प्लिकेटेड होगा, सेकंड वाला मेथड जो हम अप्लाई कर रहे हैं अभी तक वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, और यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे हम, वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करेंगे हम। आइएगा पसंद में आपको ये, हाँ है ना। ठीक है, तो अब देखो करते हैं इसको। अब कौन सा देखो ना, एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन होगा, देखो यहां से चलना आपको, ठीक है, डी जैसे, अब इसको आप नाम दे दो ये एफ और ये जी हो जाएगा। ठीक है, तो डी सी बी, ठीक है, फिर हमें चाहिए देखो कौन सा, ये वाला चाहिए, तो जी नहीं आएगा, क्या आएगा, ओ आ जाएगा। ठीक है, डी सी ओ डी ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे फाइन करेंगे हम, y dx, अब देखो y कहाँ से आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है सर्कल, तो y c dx, और यहाँ से चलना स्टार्ट हुए हम माइनस फोर से, और माइनस फोर से कहाँ तक गए हम, देखो माइनस फोर से गए हम यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब देखो इसमें से माइनस करेंगे ये वाला, यहाँ से y dx होगा, और ये वाला क्या है पैराबोला, तो वाई पी डी एक्स, यहाँ पे 0 और यहाँ पे x की वैल्यू 2, और ये इक्वेशन नंबर 1। तो आपको ये समझ में आया क्या, आपको ये वाला, तो देखो d c b फिर o फिर वापस d, ये वाला एरिया चाहिए हमें, तो यहाँ से यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया सर्कल से, फिर माइनस कर देंगे यहाँ से यहाँ तक का जो पैराबोला है। ठीक है, पैराबोला के नीचे वाला एरिया, तो देखो सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें 16, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, वाई इक्वल टू कितना जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और अब वो बात जरूर लिखना कि अब इसमें क्या लिखोगे, आप इसमें क्या लिखोगे बताओ, वाई लाइज इन, बताओ y lies in, क्या लिखोगे इसमें, फर्स्ट एंड सेकेंड, और आपको पता है कि y चाहे फर्स्ट में चाहे सेकेंड में हो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप आगे लिखना आपको सिंस y lies in फर्स्ट एंड सेकेंड
क्वाड्रेंट। ठीक है, एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 6x है, तो इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट 6 अंडर रूट x। सो एरिया ऑफ रीजन, ठीक है ना, डी सी बी ओ डी इज इक्वल टू माइनस 4 टू 2 और ये आ जाएगा 16 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर माइनस 0 टू 2 और अंडर रूट 6 अंडर रूट एक्स डी एक्स, इट इम्प्लाइज एल एच एस में वो चलेगा और ये देखो क्या हो जाएगा, एक्स बाई 2 16 माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में ए स्क्वायर 16 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 टू 2, फिर माइनस अंडर रूट 6 बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 बाई 2 अपॉन में 3 बाई 2 और ये 0 टू 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये एल एच एस में वही होगा और आर एच एस में देखो लिमिट रख देते हैं हम 2 बाई 2 अंडर रूट 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस में एट साइन वर्स 2 बाई 4 तो 1 बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस माइनस 4 बाई 2 तो माइनस का 2 अंडर रूट 16 माइनस 16, फिर प्लस एट साइन इनवर्स माइनस 1 और फिर माइनस में अंडर रूट 6 बाहर है इनटू में ये क्या आएगा 2 बाई 3 2 बाई 3 और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 बाई 2 माइनस में 0 की पावर 3 बाई 2। अब देखो उसका आगे कैलकुलेशन करते हैं, ये वाला रख कर देता हूँ मैं, एल एच एस में वो चलेगा। अब ये देखो 2 बाई 2 तो 16 माइनस में 4 12 है, तो 12 को क्या लिखेंगे हम 2 अंडर रूट 3, फिर प्लस में एट साइन वर्स 1 बाई 2, पाई बाई 3 होता नहीं होता तो, या पाई बाई 6 होता है, पाई बाई 6 होता है, पाई बाई 6 ही होता है ना। ठीक है, और फिर माइनस ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का एट साइन वर्स 1 होता है पाई बाई 2, फिर माइनस का 2 अंडर रूट 6 अपॉन में 3, अब 2 की पावर अंडर रूट तो ये हो जाएगा क्या 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो 2 अंडर रूट 3 प्लस में ये 4 पाई अपॉन में 3 माइनस माइनस प्लस में 4 पाई। ठीक है, फिर ये हो जाएगा क्या 2 टू ज़ा 4, ये हो जाएगा 4। ठीक है, और अंडर रूट 12 है, अंडर रूट 12 हो जाएगा ये, अंडर रूट 12 होता है 2 तो एट अंडर रूट 3 हो जाएगा ये, तो माइनस में एट अंडर रूट 3 अपॉन में 3। अब देखो 12 है और 4 16 पाई अपॉन में 3 और ये 3 टू ज़ा 6 अंडर रूट 3 माइनस में एट अंडर रूट 3 अपॉन में 3, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 3। ये होगा नहीं हो बताओ, ये यहाँ तक
यहाँ तक सही है ना? अब देखो रिक्वायर्ड जो एरिया को क्या हो जाएगा, देखो अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रीजन DCPOD इक्वल टू LHS में चलेगा 2 इंटू में ये क्या है देखो 16 पाई बाई 3 माइनस में 2 पाई बाई 3 ठीक है। और अगर ये 2 पाई बाई 3 बारह था तो 2 से 4 अपॉन में 3 ये पाई भी आ गया ठीक है, पाई तो ये पाई 4 पाई बाई 3 ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 पाई माइनस में 2 पाई बाई 3 तो बाहर ही आ गया, अंडर रूट 3 पता है ना, तो ये अंडर रूट 3 आएगा यहाँ पे तो इतना आएगा नहीं आएगा, ये आंसर है कि नहीं पता, फाइनल आंसर ये है कि नहीं है? फोर अपॉन में 3 एट पाई माइनस में अंडर रूट 3 तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसमें ठीक है। तो 18 वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखो इसमें लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 19। अब द एरिया बाउंडेड बाय द बाउंडेड बाई वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये इक्वेशन नंबर 1 एंड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2 और वाई एक्सिस से बाउंडेड एरिया ठीक है। और किसके बीच होना चाहिए, एक्स के विरुद्ध रखे हमें 0 टू पाई बाई 2 ठीक है ना, और ये दोनों के इक्वल। तो देखो पहले दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स पुट इन 2 ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब बताओ कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, ये कब पॉसिबल है, ये चीज़ कब पॉसिबल है बताओ? अच्छा एक्स 0 पे किस पे होगा फिर, पाई बाई 2 या 4, पाई बाई 4 पे ठीक है ना। तो देखो दिस इज पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब जब x इज इक्वल टू पाई बाई 4 होगा तो y कितना हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू कितना है cos x है तो cos पाई बाई 4 तो 1 बाई अंडर रूट 2। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, पाई बाई 4 कोमा 1 अपॉन में अंडर रूट 2 ठीक है। अब देखो ग्राफ बनाते हैं हम इसका, ये 0 ये पाई बाई 2 अच्छा ये पाई बाई 2 तक ही है क्या, तो इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, पाई बाई 2 पाई ठीक है। अब देखो कोस 0 की वैल्यू 1, तो ये जो ग्राफ होगा वो किसका होगा, वाई इज इक्वल टू कोस एक्स ठीक है, और ये जो ग्राफ होगा वो किसका होगा, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स ठीक है।
अब ये बताओ कि हमें कौन सा वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है, A1 या A2, बताओ कौन सा एरिया फाइंड करना है हमें, A1 वाला है फिर A2 वाला? A2 वाला, क्योंकि y एक्सिस से रिलेटेड होना चाहिए वो, ठीक है ना? तो ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। तो हम वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, 0,1 है ये, ठीक है ना? और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, देखो ये है π/4 और 1/√2। अब इसको नाम देते हैं ए, और ये ओ ए, ये बी हो जाएगा, और इसको हम नाम दे दें क्या, सी, रोटेशन को दिखाने के लिए सिर्फ। तो देखो एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी सी ओ इसको टू, ठीक है। अब देखो ये, इसको कोस एक्स वाले को मैं क्या मान लूँगा, वाई सी मान लूँगा, और साइन एक्स वाले को मैं वाई एस मान लूँगा, ठीक है। अब देखो वाई डी एक्स होगा। अब पहले बताओ कि वाई सी आएगा फिर वाई एस आएगा, बताओ क्या आएगा पहले, वाई सी या फिर वाई एस? वाई सी, क्योंकि देखो हम यहाँ से चलेंगे यहाँ तक, तो हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा यहाँ तक का, ठीक है। तो ये कौन सा, देखो वाई इजक्ल टू कोस एक्स, तो वाई सी डी एक्स आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे हम, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कौन सा है, वाई एस डी एक्स। अब देखो लिमिट, देखो पहले वाले कि जीरो से चले हम कहाँ तक, π/4 तक, 0 to π/4, और ये भी 0 से π/4, ठीक है। तो देखो LHS में ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 से π/4 cos x dx माइनस में 0 से π/4 क्या हो जाएगा, देखो sin x dx। अब देखो हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज़ क्यों नहीं किया, एक बार समझ लो आप क्यों नहीं किया। देखो करने को वो भी कर सकते हैं हम, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या होता है, x dy होगा। अब यहाँ से x की वैल्यू देखो क्या आएगी, cos इनवर्स y। तो अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो 1 लगाना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट से होगा ये, ठीक है। तो इसमें इंटीग्रेशन का हायर नॉलेज चाहिए हमें, ठीक है, हम इससे कर सकते हैं आराम से। लेकिन यहाँ से देखो आप कितनी आराम से हो रहा है, तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ कर रहे हैं, तो ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये कोस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और ये हो जाएगा 0 to π/4, फिर माइनस। अब साइन एक्स का माइनस का कोस एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस का कोस एक्स 0 to π/4। तो देखो ये हो जाएगा क्या, sin π/4 माइनस में sin 0, फिर प्लस cos π/4 माइनस में cos 0, 1/√2 माइनस में sin 0 0 होता है, फिर प्लस में 1/√2, ठीक है, और माइनस में 1। तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस में 1/√2, तो 2/√2 माइनस में 1, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 √2 माइनस 1, सही क्या बताओ, ये वाला आंसर अपना √2 माइनस 1, बी वाला ऑप्शन दिख रहा है इसमें, सही है ना? तो देखो अपने ये जो चैप्टर नंबर 8 है वो आज हमने फिनिश कर दिया है, ठीक है। अब देखो कल से जो होगा वो क्या होगा, चैप्टर नंबर 8 के और चैप्टर नंबर 7 के CBSE वाले क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 7 के CBSE वाले क्वेश्चन ख़त्म होते ही चैप्टर नंबर 8 के CBSE क्वेश्चन वो तो चालू रहेंगे ही, फिर चैप्टर नंबर 10 और स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।